वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से संबंधित लगभग 45 MCQs हैं जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आपका ASO का एग्ज़ाम हो गया, संगणक का एग्ज़ाम हो गया, PGT का एग्ज़ाम हो गया, फर्स्ट ग्रेड, ठीक है। तो ये सारे जो एग्ज़ाम आपके हैं, जहाँ जहाँ पे भी आपके स्टेट्स वाला जो पार्ट होता है सांख्यिकी का, जिसमें आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि छात्रों के बौद्धिक स्तर की जाँच हेतु उचित माध्यम कौन सा है, ठीक है। छात्रों की बुद्धि का स्तर अगर जांच करना है तो उसके लिए कौन सा माप का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में अगर हम बात करें तो जो आपका मीडियन है, मध्यिका है, मध्यिका का जो प्रयोग है वो कहाँ पे किया जाता है, जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स होते हैं, जो गुणात्मक तथ्य होते हैं, जैसे कि हम बुद्धि की बात कर लें, ईमानदारी की बात कर लें, अमीरी गरीबी की बात कर ले, तो जहाँ पे भी गुणात्मक तथ्य आ जाते हैं, क्वालिटेटिव फैक्ट्स आ जाते हैं, वहाँ पे अगर आपको एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, मीडियन का प्रयोग करेंगे, मध्यिका का प्रयोग किया जाएगा। तो बौद्धिक स्तर अगर जांच करना है तो बौद्धिक स्तर आपका गुणात्मक तथ्य हैं, क्वालिटेटिव फैक्ट्स हैं, इसलिए किसका प्रयोग किया जाएगा, मीडियन का, मध्यिका का। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। अगला देखिए, समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का जोड़ होता है। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था वो भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अधिकतर एग्जाम, जैसे कि आपका फर्स्ट ग्रेड PGT का एग्जाम हो गया, संगणक है, इनमें ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है। तो गुणात्मक तथ्य के साथ में दूसरा जो क्वेश्चन आपका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो देखिए, समांतर माध्य से अगर हम विभिन्न मूल्यों के विचलन निकालते हैं, ठीक है, विचलन आपका हो गया डेविएशंस, कहते हैं उसको हम डी, और डी आप कैसे निकालते हो, अगर एक्स माइनस एक्स बार करके निकालते हैं, ठीक है। समांतर माध्य से हमने क्या किया, विचलन निकाला है, और विचलन के वर्ग का मतलब आपका हो गया समेशन डी स्क्वायर, या एक्स सीरीज होती है, हम साथ में क्या ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं। तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर जो आपका होता है उसका जोड़ अगर आप समांतर माध्य से निकालते हो, ठीक है, जो डेविएशन हमने समांतर माध्य से निकाले हैं एक्स माइनस एक्स बार करके, फिर अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका जो जोड़ आएगा उसको कहा जाता है, एक तरह से क्या होता है, मिनिमम होता है। और इसीलिए हम आगे जो सांख्यिकी गणना होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन हो गया, सहसंबंध गुणांक, प्रमाण विचलन, इन सभी को ज्ञात करने के लिए हम जब विचलन निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, समांतर माध्य से ही निकालते हैं। क्यों, क्योंकि समांतर माध्य से जो विचलनों का वर्ग होता है वो न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला जो हमारा प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। क्या प्रश्न आपका, किसी बंटन में जहां पद मूल्य आकार असमान है, ठीक है, पद मूल्यों का आकार अगर असमान है तो वहां पे आपको समांतर माध्य हो गया, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य के बीच में क्या संबंध है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्स बार हमने जो लिखा है आपको क्या दर्शा रहा है, समांतर माध्य, GM आपका ज्योमेट्रिक मीन, हिंदी में इसको हम कहते हैं गुणोत्तर माध्य, और HM आपका है हार्मोनिक मीन, हिंदी में इसको कहा जाता है हरात्मक माध्य। तो इन तीनों माध्यों के बीच में अगर हम संबंध देखें तो क्या संबंध होता है, कि समांतर माध्य आपका जो होता है एक्स बार, वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ये दोनों जो एवरेज हैं वो हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य से ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, समांतर माध्य की, उसके बाद में गुणोत्तर माध्य की, और सबसे कम छोटी वैल्यू किसकी होती है, हार्मोनिक मीन की। तो ये संबंध आपको ध्यान रखना है कि जो एक्स बार होता है वो ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन हमारा ज़्यादा होता है हार्मोनिक मीन से। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, कि समांतर माध्य हमारे पास में दे रखा है कितना, 20, ठीक है, एक्स बार आपको दे रखा है 20, एक्स बार हमारे पास में है 20,
और बहुलक हमारे पास में दे रखा है 18 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको मीडियन निकालनी है। तो देखिए समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक के बीच में जो संबंध होता है आपका, क्या संबंध होता है, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होता है, जेड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार। ठीक है, बहुलक का जो मूल्य होता है वो मध्यिका के 3 गुने में से अगर समांतर माध्य का 2 गुना माइनस कर देंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास में, बहुलक आ जाता है। तो इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, जो वैल्यू हमारे पास में दे रखी, जैसे देखिए बहुलक आपको कितना दे रखा है, मोड 18, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 18 इक्वल टू 3 मीडियन, मीडियन हमको कैलकुलेट करनी है तो 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार, 2 एक्स बार आपका कितना है 20। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 3 मीडियन इक्वल टू 18 प्लस 40। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 40 प्लस 18 करो कितना हो जाएगा 58। और मीडियन अगर आपको निकालना है तो 58 में हम क्या करेंगे, 3 का डिवाइड कर देंगे, और 58 में 3 का डिवाइड करने पर आपके पास में कितना आ जाएगा, 19.33। ठीक है, 19.33, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, .062 का व्युत्क्रम, ठीक है, रेसिप्रोकल निकालना है, और रेसिप्रोकल हम कैसे निकालते हैं, 1/2 करके। ठीक है, 1 में हम क्या करेंगे, जिसका पूछा हुआ है 0.062, इसका हम डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा ये 1000, और 1000 में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 62 का डिवाइड करेंगे, तो 62 का डिवाइड करने पर आपके पास में आ जाएगा सबसे पहले 1, उसके बाद में 6। ठीक है, मतलब ये 16 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 16 देखिए यहाँ पे ऑप्शन में हमारा केवल एक जगह दे रखा है, तो आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हमको पता चल गया कि हमारा आंसर क्या होगा, 16.129। अगला देखिए, यहाँ पे हमारे पास में गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन कितना दे रखा है 4, और समांतर माध्य हमारे पास में कितना दे रखा है 5। तो हरात्मक माध्य, अब यहाँ पे आपको समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य, इनके बीच में संबंध भी हमको ध्यान रखना है। तो संबंध के लिए एक फॉर्मूला होता है आपका, क्या फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हार्मोनिक मीन, और इसका हम क्या करेंगे, रूट निकाल देंगे। या फिर दूसरा फॉर्मूला इसी से आपका बन जाएगा, अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, गुणोत्तर माध्य का जो स्क्वायर है, वर्ग है, वो किसके बराबर होगा, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखिए इस फॉर्मूले में आपको अब क्या करना है, वैल्यू रखनी है, तो हमारे पास में हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन आपका दे रखा है 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू समांतर माध्य आपका है 5 इंटू हरात्मक माध्य हमने यहाँ पर लिख दिया हार्मोनिक मीन, तो देखिए आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 और 5 का आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 5 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, हरात्मक माध्य। 16 में आप 5 का डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास में क्या आ जाएगा, हरात्मक माध्य आ जाएगा। तो देखिए आ जाएगा आपका 3.2, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी। अगला है, अत्यधिक स्थिर माध्य हैं। ठीक है, अत्यधिक आपका जो स्थिर माध्य, मतलब जो एक्सट्रीम वैल्यू आपकी होती है, चरण मूल्य होते हैं, ठीक है, उनमें अगर परिवर्तन हो जाता है तो भी माध्य में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ऐसा जो हमारा माध्य है वो आपका कौन सा है, तो सबसे स्थिर माध्य जो आपका कहा जाएगा वो आपका हो जाएगा समांतर माध्य। ठीक है, और इसी के लिए हम क्या करते हैं, जो सांख्यिकी की गणना करते हैं आगे, चाहे वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है या अन्य कोई भी माप किया जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, समांतर माध्य का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। इसलिए समांतर माध्य एक तरह से क्या कहा जाता है, स्थिर माध्य कहा जाता है। ठीक है, सबसे अत्यधिक जो स्टेबल आपका एवरेज है वो कौन सा होता है, समांतर माध्य होता है। अगला देखिए, दिया गया है हमारे पास में 2 फैक्ट्री हैं। ठीक है, ए फैक्ट्री और बी फैक्ट्री। ए फैक्ट्री में हमको औसत दैनिक मजदूरी दे रखी है। ठीक है, औसत का मतलब आपका ये एवरेज दे रखा है। ठीक है, एवरेज जो वेजेस हैं वो कितनी हैं, ये आपकी ए फैक्ट्री में तो है 120 और बी फैक्ट्री में कितनी है 96।
अब साथ में हमको क्या दे रखा है, मजदूरों की संख्या दे रखी है। ए फैक्ट्री में मजदूर कितने हैं 80 और बी फैक्ट्री में कितने हैं 100। अब देखिए हमको क्या पूछा हुआ यहाँ पे, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे कि कारखाना ए ज़्यादा दैनिक मजदूरी चुकाता है, बी ऑप्शन में आपका है कि कारखाना बी ज़्यादा दैनिक मजदूरी चुकाता है, या सी ऑप्शन में आपका दे रखा है कि दोनों कारखाने जो हैं वो समान दैनिक मजदूरी चुकाते हैं, या डी आपका है कि इसका निर्धारण नहीं हो सकता है। बिल्कुल सिंपल सा है, देखिए ए फैक्ट्री है, यहाँ पे आपको एवरेज वेज औसत मजदूरी आपको कितनी दे रखी है 120 और मजदूरों की संख्या कितनी है 80। इसका मतलब जो टोटल वेज है कुल मजदूरी आपकी कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 को अगर आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 9600। इसी तरीके से फैक्ट्री बी में औसत दैनिक मजदूरी कितनी है 96, एक के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या है कम, लेकिन यहाँ पे मजदूरों की संख्या कितनी है 100। अब यहाँ पे भी अगर आपको टोटल वेज निकालनी है कुल मजदूरी, तो आप 96 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में कितना आएगा 9600। इसका मतलब क्या हो गया, जो टोटल वेज आ रही है दोनों फैक्ट्री में वो कितनी आ रही है इक्वल आ रही है, बराबर आ रही है। इसका मतलब दोनों कारखाने जो हैं वो समान दैनिक मजदूरी चुकाते हैं, ठीक है। दोनों कारखानों में एवरेज जो मजदूरी है औसत मजदूरी वो क्या है अलग अलग है, मजदूरों की संख्या भी अलग अलग है, लेकिन कुल मजदूरी की अगर हम बात करें तो वो समान चुकाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक श्रेणी के 25 अवकलनों में सिग्मा एक्स माइनस 7 इक्वल टू आपको कितना दे रखा है -8, तो माध्य क्या होगा, समांतर माध्य यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यदि हम एक्स माइनस एक्स बार करते हैं, ठीक है, जो हम विचलन निकालते हैं अगर वो समांतर माध्य से निकालते हैं और इसकी हम टोटल करते हैं तो वो हमेशा कितनी आती है 0 आती है। लेकिन अगर आप कल्पित माध्य से निकालोगे एज्यूमिंग, जैसा कि हमको ऊपर दे रखा है एज्यूमिंग यहाँ पे कितना है आपका 7, तो एज्यूमिंग से अगर हम निकालेंगे तो टोटल 0 आ भी सकती है नहीं भी आए। 0 कब आएगी, जब हमने जिसको कल्पित माध्य माना है वास्तव में अगर वो समांतर माध्य तो टोटल कितनी आ जाएगी 0, लेकिन अगर कल्पित माध्य अलग है समांतर माध्य अलग है तो टोटल उसकी 0 नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितनी आ रही है -8, तो यहाँ पे देखिए साइन चेंज कर दीजिए, अगर यहाँ पे -8 आ रही है, अगर यहाँ पे अपन +8 कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब समांतर माध्य जो आपका है वो कितना होगा +8 होगा। अगर यहाँ पे टोटल होती है आपकी -12, इसका मतलब +12 आपका क्या होगा समांतर माध्य होगा। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, सममित वितरण के लिए Q1 तथा Q3 क्रमशः 20 और 40 दे रखे हैं, तो P50 का मान क्या होगा। देखिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और जिसमें क्या होता है Q1 Q2 ये क्या होते हैं समान दूरी पर होते हैं। जैसे कि आपका ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमने एक रेखा बना दी है, सिमेट्रिकल का मतलब हो गया कि जो आपका चतुर्थक है उसको हमने, चतुर्थक का मतलब एक श्रेणी को हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया, ये आपका क्या हो गया Q1, ये आपका क्या हो गया Q2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया Q3, और ये 4 जो भाग होते हैं वो बराबर होते हैं, मूल्य क्या होते हैं बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। अब देखिए यहाँ पे Q1 आपको कितना दे रखा है 20 दे रखा है, और Q3 हमारे पास में कितना दे रखा है, Q3 आपको दे रखा है 40 दे रखा है। ठीक है, Q3 हमारे पास में कितना है 40, तो P50 जो होता है वो किसके इक्वल होगा Q2 के, ठीक है, Q2 का हो या P50 का हो, परसेंटाइल आपका, ठीक है, P का मतलब क्या है परसेंटाइल, जो एक श्रेणी को 100 समान भागों में विभाजित करता है, तो Q2 और P50 दोनों की वैल्यू क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में देखिए Q1 दे रखा है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका Q1 है, ये हमारा Q2 है, ये हमारा Q3 है, तो Q1 आपका अगर 20 है और Q3 कितना है 40, तो Q2 आपका कितना हो जाएगा 20 प्लस 40 अपन 2 कर दीजिए, ठीक है, उसके बीच की जो वैल्यू होगी, बीच की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 30, तो ये जो 30 आपका क्या है Q2,
और Q2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, परसेंटाइल P50 के बराबर होगी। क्योंकि देखिए अगर आप इस पूरी सीरीज को अगर 500 बराबर भागों में विभाजित करोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, परसेंटाइल, और बीच वाली जो ये वैल्यू आगी वो आपकी क्या होगी, P50 होगी। इसका मतलब P50 और Q2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आप अष्टमक की बात करोगे ऑक्टाइल, तो बीच में जो आपका होता है Q4, ठीक है, वो क्या होगा, बीच वाली भी होगी। दशमक में आप देखोगे तो जो आपका पांचवा जो होगा वो आपका क्या होगा, बीच की वैल्यू होगी, मतलब Q5, P50, Q2 ये सब क्या होते हैं, मीडियन के इक्वल होते हैं, मतलब मीडियन भी वही होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 30। अगला देखिए, यदि हमें विभिन्न समूह के पदों की संख्या और समांतर माध्य पता हो तो सभी समूहों के माध्य की गणना के लिए क्या उपयुक्त हैं। बिल्कुल सिंपल सा है कि हमें विभिन्न समूह हैं, विभिन्न समूह का मतलब दो समूह भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वहाँ पे हमको पदों की संख्या दे रखी, मतलब आपको दे रखा है N1 दे रखा है, माना कि दो समूह हैं तो N1 N2 दे रखा है, अगर तीन समूह हैं तो N1 N2 N3, तीनों पदों में पदों की संख्या कितनी, तीनों समूह में, ये हमारे पास में है। तीनों समूहों का समांतर माध्य, जैसे कि पहले समूह का समांतर माध्य माना कि X1 है, X bar 1, दूसरे समूह का समांतर माध्य आपका है माना कि X bar 2, और तीसरे समूह का हो जाएगा आपका X bar 3। अगर ये चीज़ हमको पता है तो इन चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, इन सभी समूहों का कंबाइंड मीन, सभी का एक साथ सामूहिक माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अलग अलग समूहों की पदों की संख्या हमारे पास में n हमको पता है, x बार अगर हमको पता है, समांतर माध्य पता है, तो इन सभी समूहों का हम एक साथ माध्य निकाल सकते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कंबाइंड मीन कहा जाता है, सामूहिक समांतर माध्य, ठीक है। यहाँ पे पूल्ड मीन लिखा हुआ है, इसको हम कंबाइंड अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं, सामूहिक समांतर माध्य भी कह सकते हैं। अगला देखिए, हमारे पास में समंक दे रखे हैं 11, 9, 8, 11, 7, ये चीज़ दे रखी हैं, इसमें हमको क्या निकालना है, मध्यिका निकालनी है, मीडियन निकालनी है। तो देखिए मीडियन हम कैसे निकालते हैं, तो मीडियन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इनको क्रम से जमा लेंगे। तो सबसे पहले क्रम से जमाना है तो छोटे से बड़ा जमा लो, सबसे पहले आपका आ जाएगा 7, फिर आपका आ जाएगा 8। अब देखिए 9 तीन बार है तो 9 को हम 3 बार लिख देंगे, फिर 10 दो बार है तो 10 को हम 2 बार लिख देंगे, फिर आपका हो जाएगा 11, ठीक है, 11 भी 2 बार है 2 बार लिख दिया, फिर आपका हो जाएगा 15, फिर आपका हो जाएगा 17। तो सबसे पहले हमने क्रम से जमा लिया, हमारे पास में ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आपकी 11 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला आपका क्या होता है, N+1/2, ठीक है। मध्यिका का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, N+1/2, N यहाँ पे हमारा कितना है 11, 11+1/2 करेंगे, और 11+1/2 करने पर क्या आ जाएगा 6, मतलब छठे नंबर पे जो हमारी वैल्यू थी, छठे नंबर पे क्या थी, देखो सबसे पहले हमने लिखा था 7, फिर आपका आया था 8, फिर आपका आया था 9 तीन बार आया था, ठीक है, और फिर आपका क्या आया था 10। आप देखो ये तो आपका पहले नंबर पे था, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये पांचवें पे, ये छठे नंबर पे, तो छठे नंबर पे आपकी वैल्यू क्या थी 10, ये 10 हमारा क्या है मीडियन। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, यदि सभी पद मूल्यों में से 50 घटा दिया जाए तो समांतर माध्य, ठीक है, हमारे पास में कोई वैल्यू है, माना कि जैसे हम मान लेते हैं कि 120 हैं, 150 हैं, 180 हैं, 200 हैं, ठीक है, अगर हम इनका समांतर माध्य निकालते हैं, अब हमको पूछा हुआ यहाँ पे क्या है कि अगर इन सभी में से हम 50 माइनस कर दें, इसमें से भी 50 माइनस कर दो, इसमें से भी 50 माइनस कर दो, इसमें से भी 50 माइनस कर दो, इसमें से भी 50 माइनस कर लो, फिर समांतर माध्य निकाल दो, तो कैसे निकालोगे, सब में से 50 माइनस करने के बाद में जो भी हमारे पास में बचेगा उन सभी को जोड़ के कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 4 का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इसका मतलब हमारा जो समांतर माध्य वो भी क्या होगा, 50 कम हो जाएगा, सभी में अगर आप 50 जोड़ोगे तो समांतर माध्य भी 50 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यहाँ पे 7 हम लिख देंगे, वैसे लिखा हुआ नहीं आया है, क्या लिखा हुआ आएगा, जो
समांतर माध्य है वो 50 घट जाएगा। ठीक है, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है डिक्रीज बाय 50, मतलब 50 कम हो जाएगा। सभी पदमूल्यों में से हमने 50 कम किया है, इसलिए हमारा समांतर माध्य 50 कम हो जाएगा। सभी में अगर आप 50 जोड़ देते तो समांतर माध्य भी क्या होगा, 50 बढ़ जाएगा। अगला देखिए, यदि किसी महाविद्यालय की बीकॉम की कक्षा के ए सेक्शन में औसत अंक आपके कितने हैं 65 और बी सेक्शन में 70 आपको औसत अंक दे रखे हैं तथा दोनों का सामूहिक सम औसत आपको दे रखा है कितना 67, तो ए और बी सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या का अनुमान लगाइए। अब देखिए यहाँ पे दो सेक्शन दे रखे हैं, दोनों का सामूहिक समांतर माध्य हमारे पास दे रखा है, इसका मतलब फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, सामूहिक समांतर माध्य का। और सामूहिक समांतर माध्य का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स बार 1 2, यहाँ पे दो ग्रुप है इसलिए 1 2, अगर तीन ग्रुप होता तो 1 2 3। अब कैसे निकालते हैं, एन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स बार 1 से, प्लस कर देंगे एन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स बार 2 से, और फिर इसमें हम डिवाइड कर देंगे किसका, N1 प्लस N2 का। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है जो हमको ऊपर दे रखी है, और उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों की संख्याओं का जो अनुपात है वो हमारे पास में आ जाएगा। मतलब N1 और N2 तो हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अनुपात जो हमारा है इन आंकड़ों से हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू लिखते हैं, सामूहिक समांतर माध्य आपका कितना है 67, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 67 इक्वल टू, फिर आपका पहले समूह का औसत कितना है 65, तो 65 N1 प्लस दूसरे समूह का आपको औसत कितना दे रखा है 70, ये आपका N2 हो जाएगा, N2 हमको पता नहीं है, अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, छात्रों की संख्या हमें पता नहीं इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे N1 प्लस N2। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, देखो 67 का जो मल्टीप्लाई है वो N1 के साथ में भी होगा N2 के साथ में भी होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 67 N1 प्लस 67 N2 इक्वल टू हमारे पास में क्या बचेगा, इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा, देखो ये दूसरी तरफ आपका बचेगा केवल ये, क्योंकि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आ गया आपका 67 N1 प्लस 67 N2 इक्वल टू क्या बचा, 65 N1 प्लस 70 N2। अब देखो N1 वाले को एक तरफ ले लीजिए, N2 वाले को एक तरफ, तो देखो 67 N1 और ये 65 N1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास में यहाँ पे 2N1 इक्वल टू 70 N2 को हम यहीं लिखते हैं, इस 67 N2 को हम इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस, तो 70 N2 में से 67 N2 को माइनस करो कितना बचेगा 3 N2, और अनुपात में आपको लिखना है तो आपका N1 अपॉन N2, तो इस 2 को हम उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा आपका 3 अपॉन 2, इसका मतलब हमारा जो अनुपात है वो क्या होगा 3:2, 3:2 होगा, मतलब डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, अधिकतम मूल्यों का किस मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं वो किसको प्रभावित नहीं करती हैं इनमें से, ठीक है, समांतर माध्य को, मध्यिका को, गुणोत्तर माध्य को, या फिर हरात्मक माध्य को। तो देखिए एक तो आपका होता है मध्यिका और एक होता है बहुलक, इन पे क्या होता है, जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब अधिकतम मूल्यों का किस पर प्रभाव नहीं पड़ता, जो एक्सट्रीम वैल्यू हमारी होती है चरम मूल्य कहते हैं, ठीक है, हिंदी में चरम मूल्य अगर लिखेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, मध्यिका का, ठीक है, मध्यिका जो हमारा होता है वो चरम मूल्य एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित नहीं होता है। अगला है, किसी श्रेणी के मध्यिका से निकाले गए विचलनों का योग, देखिए अगर हम डी निकालते हैं और इसके ऊपर टोटल करते हैं, अगर आपने ये समांतर माध्य से निकाला है x माइनस x बार करके, तो ये हमेशा कितना आता है, जीरो आता है, ठीक है, x माइनस x बार करने पर हमेशा कितना आता है, जीरो, लेकिन अगर आपने ये जो डी निकाला है
अगर मध्यिका से निकाला है, मीडियन से निकाला है, तो ये हमेशा क्या आएगा, आपका शून्य आ भी सकता है, ठीक है। अगर सममित वितरण होता है तब आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जिसमें समांतर माध्य मध्यिका बोलक तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि अगर आप x माइनस एम करोगे, मध्यिका से अगर आप वितरणों का योग करोगे, तो ये जो है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, न्यूनतम कहलाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन, माध्य वितरण निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मध्यिका का। माध्य वितरण जो होता है वो आपका समांतर माध्य मध्यिका बहुलक तीनों से निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा हुआ अगर नहीं होता है तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, मीडियन का। क्यों, क्योंकि मीडियन से जो हम इसका योग करते हैं वो हमेशा क्या होता है, न्यूनतम होता है, इसलिए। तो ये आपका हो जाएगा आंसर सी ऑप्शन इसमें। अगला है, अत्यधिक विषमता वाली श्रेणी में कौन सा माप उपयुक्त होता है, ठीक है। हमारे पास में जो वैल्यू दे रखी है, अगर उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा विषमता है, और वहाँ पे अगर आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का प्रयोग करना है, औसत अगर आपको निकालना है, तो वहाँ पे हम हरात्मक माध्य का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हरात्मक माध्य का प्रयोग इसके अलावा साथ साथ में, जैसे कि आपको अगर औसत गति निकालनी है, एवरेज स्पीड अगर निकालनी है, तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, हरात्मक माध्य का। आपको अच्छा ज्योमेट्रिक मीन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमको ग्रोथ रेट निकालनी होती है, ठीक है। कोई भी दर आपको निकालनी है, ठीक है, दर रेट जहाँ पे आपको निकालनी है वहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत गति निकालनी है, वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, हार्मोनिक मीन का, हरात्मक माध्य का। तो यहाँ पे अत्यधिक विषमता वाली अगर श्रेणी है जिसमें मूल्यों में बहुत ज़्यादा विषमता है, तो वहाँ पे हम हार्मोनिक मीन का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, गुणोत्तर माध्य का प्रयोग गणना करने में होता है, ठीक है। गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, अभी हमने मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी आपको रेट निकालनी है, ग्रोथ रेट निकालनी है, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि दर आपको निकालनी है, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर निकालनी है, तो जहाँ पे भी रेट अगर पूछ ले तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, गुणोत्तर माध्य का। तो ए भी सही है यहाँ पे, बी भी सही है, इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ द बू, ठीक है। दोनों वृद्धि दर, चाहे वो जनसंख्या वृद्धि दर हो या फिर राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर निकालनी है, वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, गुणोत्तर माध्य का। अगला देखिए, संख्या 1/6 व 4/25 का गुणोत्तर माध्य, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर 1/16, अच्छा यहाँ पे थोड़ा देखो हिंदी में यहाँ पे ध्यान रखना है क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका है 1/16 है और दूसरा आपका क्या है 4/25। दोनों का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है गुणोत्तर माध्य, तो हमारा गुणोत्तर माध्य आपका क्या हो जाएगा, 1/16 मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 4/25 से, और दो वैल्यू, इसलिए इसका हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे, 1/16 का अगर रूट निकालोगे तो आपका हो जाएगा 1/4, और 4/25 का रूट निकालोगे, 4 का कितना होता है 2, और 25 का होता है 5, फिर ये आपने कैंसिल कर दिया 2, ये आपका हो जाएगा 2 × 5 = 10, मतलब 1/10 आपका आंसर हो जाएगा, 1/10, मतलब ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं, किसी कक्षा के 49 विद्यार्थियों के अंक हमको दे रखे हैं, ठीक है। पाँच से दस, दस से पंद्रह, पंद्रह से बीस, इस तरीके से, और हमको विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, मीडियन, मध्यिका निकालनी है। तो देखिए, मध्यिका निकालने के लिए हमारे पास में सबसे पहले क्या होना चाहिए, CF। तो देखिए, पाँच से दस, दस से पंद्रह, पंद्रह से बीस, बीस से पच्चीस, जो ये वैल्यू दे रखी है, इसका हम क्या करेंगे, CF निकाल देंगे। तो देखिए, CF आपका कितना आएगा, अच्छा CF निकालने से पहले आप देखो, मैं थोड़ा क्योंकि उनको पूरा करना पड़ेगा। तो देखिए, मध्यिका जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, मीडियन इक्वल टू आपका होता है n/2, तो यहाँ पे n कितना है, 49, 49/2 करेंगे, और 49/2 करने पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 49/2 करने पर आपके पास में आ जाएगा 24.5, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद वाली CF कौन सी वो देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास में देखो ये वर्ग दे रखा था, फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ मैं, ये आपका देखो 5 to 10, ठीक है, देखो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, ये आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, देखो 5,
फिर कितनी है 6, फिर कितनी है 15, फिर कितनी है 10, फिर कितनी है 6, इस तरीके से आगे आप सारी फ्रीक्वेंसी लिख देना। फिर हम क्या निकालेंगे CF, और CF सबसे पहले आपकी आ जाएगी 5, फिर ये 5 प्लस 6 करोगे 11, 11 प्लस 15 करोगे 26, 26, 26 में 10 प्लस करोगे 36, फिर 36 में 6 प्लस करोगे 42, इस तरीके से आप पूरे हम CF निकाल देंगे। अब देखिए हमने भी n अपॉन 2 किया था, 49 अपॉन 2 करने पर कितना आया था 24.5, और 24.5 से बड़ी जो हमारी CF हैं वो आपकी कौन सी हैं 26, इसका मतलब जो मध्यिका है मीडियन है वो हमारी क्या होगी 15 और 20 के बीच में होगी। ठीक है, मीडियन जो आपकी होगी वो क्या होगी 15 और 20 के बीच में, और 15 और 20 के बीच में क्या है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा L1 प्लस एन अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। तो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको करके बताता हूँ, डायरेक्ट देखो L1 आपका कितना है 15, तो ये आपका हो जाएगा 15 प्लस एन अपॉन 2 हमारा कितना आया था 24.5 आया था। ठीक है, और सी क्या होगा आपका ये 11, तो 24.5 में से 11 को माइनस कर दो, ऊपर आपका कितना आ जाएगा 13.5 अपॉन एफ। देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगी अपॉन में, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे क्लास इंटरवल कितना है 15 और 20 के बीच में 5 का अंतर है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 5 लिख दोगे। बस इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस 13.5, ये देखो 5 इसको कैंसिल कर दो 3 बार, अब 13.5 में 3 का डिवाइड कर दो तो 4 × 3 = 12, 4.5 आ जाएगा, और 15 में 4.5 को प्लस कर दीजिए कितना आ जाएगा 19.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो गया आपका 19.5 ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे हैं, ये रबी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट हैं श्रेणी हमारे पास में 40, 45, 35, 30, 40, 39, 37 का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य के लिए क्या करेंगे हम इन सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, 40 प्लस 45 प्लस 35 इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 180, 120, 150, 190, 220, 250 और 266, और ये वैल्यू हमारे पास में कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 का इसमें हम डिवाइड कर देंगे, 266 में 7 का डिवाइड करना है 21, 3 बार गया 5 बचे 56 हो गए, 56 में 7 का डिवाइड किया 8, 38, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट देखिए किसी श्रेणी के पदों को 100 समान मूल्यों से विभाजित करने वाला माप। ठीक है, हमारे पास में कोई श्रेणी है उसको हम 100 बराबर भागों में अगर बांटेंगे उसको हम क्या कहेंगे परसेंटाइल कहेंगे, दशमक कहेंगे। चतुर्थक क्या होता है 4 बराबर भाग अगर पूछे जाए तो आपका चतुर्थक है। ठीक है, क्वार्टाइल्स हैं, 100 बराबर भाग है वो आपका परसेंटाइल है, शतमक है। 8 बराबर भाग है उसको हम कहते हैं अष्टमक कहते हैं, ऑक्टाइल्स। ठीक है, और 10 बराबर भागों में कौन विभाजित करता है डेसाइल्स। ठीक है, दशमक। तो यहाँ पे 100 पदों का पूछा हुआ था, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा परसेंटाइल सी ऑप्शन। अगला है एक श्रेणी का मूल्य कहलाता है, एक श्रेणी का मूल्य देखो इंग्लिश में क्या है द मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर सीरीज, मतलब एक श्रेणी का यहाँ पे आ जाएगा आपका हिंदी में मध्य का मूल्य क्या कहलाता है। ठीक है, एक श्रेणी के बीच में जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, बीच में आपकी क्या होती है मीडियन होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है दशमक है, देखो फिफ्थ डिसाइल पाँचवा दशमक, देखो ये आपके अगर इसके हम 10 बराबर भाग कर दें तो बीच में आपका यहाँ पे क्या होगा D5, तो पांचवा दशमक होगा। यहीं पे आपका क्या होता है Q2, अगर आप देखोगे तो Q2 भी हो यहीं पे होता है, ये होता है सेम D5 Q2, और परसेंटाइल में देखोगे तो आपका क्या होता है P50। ठीक है, तो एक श्रेणी के बीच में कौन कौन सी वैल्यू होती है D5 भी हो सकती है, Q2 भी हो सकती है, P50 भी हो सकती है, पांचवा दशमक भी हो सकता है, दूसरा चतुर्थक जिसको मीडियन कहते हैं वो भी हो सकता है, और 50वां शतमक भी होता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है एक शोध संस्था में 50 दैनिक मजदूरों को प्रतिदिन ₹600 मजदूरी का भुगतान किया जाता है।
श्रमिक को माह में 5 अवेतनिक अवकाश मिलते हैं तो उसकी औसत मासिक मजदूरी हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए दैनिक मजदूरी 50 मजदूर हैं और एक को कितने मिल रहे 600, तो 50 मजदूरों को एक दिन में कितने मिलेंगे, 50 को 600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा, 30,000। ठीक है, ये कुल मजदूरी हो गई कितने दिनों की, 50 दिनों की। अब देखिए श्रमिक को माह में 5 अवेतनीय अवकाश मिलते हैं, इसका मतलब कितने दिन, एक महीने में हम 30 दिन मान के करेंगे, ठीक है, तो वो कितने दिन काम कर रहा है, 25। तो एक दिन में 50 मजदूरों कुल कितनी मजदूरी मिलती है, 30,000, तो 25 दिन में कितनी मिलेगी, इसको हम क्या कर देंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कुल मजदूरी आ जाएगी। और फिर हमको औसत मासिक मजदूरी निकालनी है, तो औसत मासिक मजदूरी निकालने के लिए हम क्या करें, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30, तो 30 का हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, तो देखो 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, फिर 3 से आप अगर इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 250 आ जाना चाहिए, ठीक है, 250। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मजदूरी आपको प्रतिदिन दे रखी है 600, ठीक है, मजदूरी 600 प्रतिदिन है, और 5 दिन अगर छुट्टी मिलती है, 25 दिन अगर काम करेंगे तो 25 × 600 कर दो, तो भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मजदूरी आपको दे रखी है 600, तो 25 दिन अगर काम करेंगे कितना हो जाएगा, 25 को आप 600 से मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो आपका हो जाएगा 15,000 एक जने को मिलती है, और औसत निकालना आपको, इसमें हम क्या करेंगे, 30 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कि एक दिन की कितनी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में देखो पर मंथ लिखा हुआ गया है, ठीक है, तो एवरेज जो हम निकालेंगे वो किसका आएगा, आपका डेली का, और डेली का लगभग ये कितना आ जाएगा, 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आएगा। अगला है 25, 16, 24, 40, 27 हमको दे रखा है इसमें बहुलक, ठीक है, मोड आपको निकालना है, तो मोड क्या होता है, जो वैल्यू किसी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो 25 है ना वो 3 बार आ रहा है, इसका मतलब मोड आपका कितना हो गया, 25, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों में से 70 लड़कों के औसत प्राप्तांक 75 हैं, 75 हैं, यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 72 हो तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमको पूरे समूह में आपके जो विद्यार्थी वो कितने हैं, 100 लड़के, मतलब N1 आपके कितने हैं, 70, इसका मतलब लड़कियाँ क्या हो जाएगी, बाकी बची हुई 30 हो जाएगी। फिर पहले समूह का आपको समांतर माध्य कितना दे रखा है, 75 दे रखा है, और दूसरे में कितना है, 72 है, तो अच्छा दूसरे का नहीं है, ठीक है, पूरी कक्षा का दे रखा है 72, तो लड़कियों का मतलब जो 30 लड़कियां हैं उनके औसत प्राप्तांक क्या होंगे वो आपको निकालने हैं। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कंबाइंड मीन सामूहिक समांतर माध्य का हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो देखिए सामूहिक समांतर माध्य x^1 आपका कितना है, 72 इक्वल टू, ठीक है, x^1 आपका 70 लड़के हैं तो 70 ये आपका n हो गया, इसके औसत प्राप्तांक कितने, 75, इसको हम 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर लड़की आपकी कितनी है, 30, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x^2 आपको निकालना है तो यहाँ पे x^2 लिख देंगे अपॉन n1 + n2 कितने टोटल आपके, 100, ठीक है, बस इसको सोल्व कर दीजिए, 72 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका हो जाएगा 7200, ठीक है, 7200, 70 को 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 70 को अगर आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5250, तो ये आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे 7200 - 5250, ठीक है, इसमें से अगर माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1950, और 1950 में देखिए उधर क्या था आपका, 30 N2 था, तो 30 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x^2 था, तो x^2 आपका कितना हो जाएगा, लड़कियों की जो संख्या वो कितनी है, 30 हैं, तो 1950 कुल प्राप्तांक है लड़कियों के, उसमें 30 का भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो 1950 में 3 का डिवाइड करेंगे 65 आ जाएगा, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा 65।
ठीक है, 65। देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, निम्न समंकों से मध्यिका की गणना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको मीडियन निकालनी है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ आपका, गिवन द फॉलोइंग लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर मंथ। मीडियन क्लास निकालना है, ठीक है, आपको मध्य का वर्ग निकालना, मध्य का नहीं निकालनी, ठीक है। मध्य का वर्ग मतलब आपका जो मध्य का है वो कितनी होगी। तो ये देखिए लेस देन दे रखा है, से कम दे रखा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका क्लास इंटरवल बना लेंगे। ठीक है, कितना बन जाएगा, देखो इधर से बना लो छोटी संख्या की तरफ से, तो सबसे पहले देखो 250 से कम का मतलब आपका हो जाएगा 0 से 250, फिर 250 से 500, 500 से 750, 750 से 1000, 1000 से 1250, 1250 से 1500। ये हमारे पास में क्या होंगे, वर्ग अंतराल बन जाएंगे। ठीक है, इसको आप एक बुक में लिख लीजिए। फिर इसकी हम फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 12, फिर 32 में से 12 माइनस कर देना 20 आ जाएगा, फिर 55 में से 32 को माइनस कर देना 23 आ जाएगा, फिर 70 में से 55 को माइनस कर देना 15 आ जाएगा, फिर 80 में से 70 को माइनस कर देंगे 10 आ जाएगा, और फिर 100 में से 80 को माइनस कर देंगे 20। ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और CF तो हमारे पास में दे रखी है, 12, 32, 55, ठीक है, आपकी CF हैं। अब आपको निकालना है, इसमें क्या पूछा हुआ है, मध्य का वर्ग। तो मध्य का निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n/2। n आपका कितना यहाँ पे 100 है, 100/2 करेंगे कितना आ जाएगा 50, और 50 के ठीक बाद वाली आपकी जो CF होगी वो कितनी होगी 55, और 55 कौन से वाले ग्रुप की होगी, 500 से 750 की, 500 से 750, मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला है प्रश्न नंबर 27 के समंकों से छठा दशमक वर्ग निकालना है। तो देखिए वही क्वेश्चन आपका है, उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए और छठा दशमक निकालने के लिए, देखिए n आपका कितना है 100, और छठा दशमक निकालना, इसका मतलब हम 10 का भाग देंगे, और छठे नंबर का निकालना हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और 60 से बड़ी CF कौन सी वो आपको देखना है। ठीक है, और 60 से बड़ी जो आपकी CF होगी, ठीक है, वो होगी आपकी 70, और कौन से ग्रुप की होगी ये, 750 से 1000 की। तो उस क्वेश्चन को आप लिख के करोगे तो फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 750 से 1000, मतलब यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपको पूछा है कि समंकों से प्रथम चतुर्थक वर्ग निकालना है। ठीक है, Q1 जो है वो कौन से वर्ग में होगा, तो आपका n कितना था 100, आप यहाँ पे क्या करोगे 100/4, और 100/4 करने पर आपके कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर आपको देखना है कि 25 से बड़ी CF कौन सी है, तो 25 से बड़ी जो CF आपकी है वो कौन सी थी, 32 वाली, ठीक है, और 32 के सामने आपका जो वर्ग बनेगा, ठीक है, वो कौन सा वर्ग बनेगा आपका, 250 से 500 का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा आपका 250 से 500 वाला वर्ग बनेगा आपका क्लास इंटरवल, और 250 से 500 वाला आपका यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन आपको यहाँ पे गलत दे रखे हैं, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला देखिए, एक कंपनी के कर्मचारियों की आय के समंक हमारे पास में दे रखे हैं। ठीक है, मासिक आय हमारे पास में दे रखी है, कर्मचारियों की हमको संख्या दे रखी है। ठीक है, ये आपकी 0 से 250, जो भी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन को उन्होंने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, 0 से 250, 250 से 500, और सामने हमको फ्रीक्वेंसी दे दी है, नंबरों पर एम्प्लॉइज दे दिए। अब यहाँ पर हमको पूछा हुआ है, उपरोक्त सतत आवृत्ति बंटन से छठे दशमक का मान क्या होगा। तो देखिए छठे दशमक के लिए हमने सीखा था ऊपर किस तरीके से हमने निकाला था, इसकी आप सबसे पहले इसमें CF निकाल दोगे, और छठा दशमक निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100/10, क्योंकि दशमक है और छठा निकालना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि 60 से बड़ी वाली जो CF है वो कौन सी है। ठीक है, 60 से बड़ी वाली, तो यहाँ पे देखो CF सबसे पहले कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 32 आ जाएगी, फिर कितनी आ जाएगी 55 आ जाएगी, फिर कितनी आ जाएगी 70 आएगी। ठीक है, यहाँ पे 70 आएगी, तो 60 से बड़ी वाली ये 70 हैं, इसका मतलब हमारा जो ये वर्ग होगा वो कौन सा होगा आपका, 750 से 1000 के बीच में। ठीक है, जो हमारा दशमक होगा वो कितना होगा, 750 से 1000 के बीच में होगा, और 750 से 1000 के बीच में उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो फॉर्मूला में L1 आपका कितना हो जाएगा 750 प्लस
फिर आपका ये आपका अभी हमने जो निकाला था ना डी अपॉन टेन इंटू सिक्स जो किया था वो कितना आया था आपका, यह आया था आपका 60। 60 में से हम माइनस कर देंगे, जो सी एफ आपकी आई थी पहले वाली सी एफ कितनी है, ठीक है लिख के कर लेना, आपको सिंपल लगेगा 55। और जो हमारा ग्रुप आया था उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी आप देखो 15, तो ये आपका आ जाएगा 15। और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे हम किससे, 250 से। और इसको अगर आप सोल्व करोगे 60 में से 55 मतलब 5 बचे, 5 को आपने इसके ऊपर कैंसिल कर दिया 3, 250 में 3 का भाग दे देना कितना आ जाएगा 83 पॉइंट समथिंग आएगा। और 83 पॉइंट को अगर आप 750 में प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 833 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है 833 पॉइंट, मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन में आपको तीसरा चतुर्थक भी निकालना है, ठीक है। और तीसरा जो चतुर्थक आएगा आपका वो आएगा 1125, ठीक है। कैसे निकालोगे, सेम उसी तरीके से 100 अपॉन 4 कर दोगे, और तीसरा चतुर्थक निकालना इसलिए हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे लास्ट में L1 प्लस 3 इंटू या 3Q3 लिख दीजिए यहाँ पे अपॉन F इंटू I, यहाँ पे माइनस C भी है। इस फॉर्मूला आप वैल्यू रखोगे आपके पास में तृतीय चतुर्थक आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखिए अगला देख लीजिए, ये वाला समंक हमारे पास में है 0, 1 माइनस 1 माइनस 2 6 4 ये दे रखा है, तो द्वितीय चतुर्थक का मान निकालिए। तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, क्रम से जमाना पड़ेगा। तो क्रम में आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा माइनस 2, फिर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 0, फिर आपका आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा आपका 6, फिर आ जाएगा 8, 10, 11, 12। आपके पास में कितने नंबर हैं, 10, ठीक है। अब Q2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, 10 प्लस 1/4 कर देंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 5.50। और 5.50 का मतलब पाँचवें और छठे के बीच नंबर पे कौन सी वैल्यू, देखो पाँचवें नंबर ये पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे और ये छठे पे, तो पाँचवें और छठी दोनों वैल्यू को जोड़ के हम क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे। 4 + 6 / 2 करोगे कितना आ जाएगा 5, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। इसी तरीके से देखो ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये अगर आपको न्यूमेरिक क्वेश्चन जो है वो आते हैं तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छठा दशमक आप इन संख्याओं से निकाल के देखना, तो ये आपका आ जाएगा 116.91 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना। इसमें अच्छा वर्ग पूछा हो आपको कि दशमक वर्ग क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 40 से 50 आना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए जो अपना ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें प्रथम चतुर्थक वर्ग निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकालोगे आप, Q1 निकालना है, तो N आपका जो है 152 आएगी उसकी टोटल, 152 में हम क्या करेंगे 4 का डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 38। और 38 से बड़ी है CF कौन सी वो देख लेना। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स हैं। अब देखिए अगला अपना है, निम्न में से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक, यहाँ पे आप देख लेना मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे ये अंडर रूट में अरिथमेटिक मीन और हरात्मक माध्य दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए हमने ऊपर देखा था कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे तो क्या होगा, इधर रूट लग जाएगा, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। फिर समांतर माध्य ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होता है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से ज़्यादा होता है, ये वाला भी आपका सही है। और फिर ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों, ये ए एम है यहाँ पर, ठीक है, ये समांतर माध्य है, ये आपका हरात्मक माध्य दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ये भी सही है। इसका मतलब तीनों सत्य हैं, ठीक है, उपरोक्त तीनों सत्य यहाँ पर आप मल्टीप्लाई मान के चलना, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर। अगला है, यदि 3, 4, x, 7, 10 की मध्यिका कितनी दे रखी है आपको 6, तो x की वैल्यू क्या होगी ये आपको पता करनी है। तो देखिए मध्यिका क्या होती, देखो कि हम क्रम से जमाएंगे, हमारे पास में कितनी वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, इनको क्रम से जमाओगे और फॉर्मूला लगाओगे n+1/2, 5+1/2 करने पे हमारे पास में कितना आ जाएगा तीसरे, और तीसरे नंबर पे जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी मध्यिका। अब तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपके पास में क्या है x,
और मध्यिका कितनी है, 6 है। इसका मतलब तीसरे नंबर वाली जो वैल्यू है वो मध्यिका है, और मध्यिका की वैल्यू अगर 6 है इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी आपके यहाँ पे, 6 होगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। मध्यिका 68 और पदों की संख्या आपको दे रखी है 18। सभी पदों को 6 से विभाजित करेंगे तो 18 में 6 का डिवाइड कर देना, ठीक है। नया मध्यिका का मान आपका आ जाएगा उसमें 3 का डिवाइड, 18 में 6 का डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 3। अगला देखिए हमको क्या दे रखा है। यदि बहुलक आपको दे रखा है 32.1 और समांतर माध्य दे रखा है 35.4 तो मीडियन क्या होगी, तो वही फॉर्मूला आपको यूज़ करना, जेड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार। तो जेड आपका कितना है 32.1 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार कितना है 35.4। तो ये आपका 3 मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35.4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 70.8, और 32.1 इसमें प्लस हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 102.9, ठीक है। और इसमें हम 3 का डिवाइड कर देंगे तो 102.9 में अगर आप 3 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 34.3, ठीक है। 34.3 मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। फिर अंतिम प्रश्न देखिए, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों के औसत वजन आपको दे रखा है 40 किलोग्राम, ठीक है। 35 छात्रों का औसत वजन कितना है 40 किलोग्राम, तो कुल वजन कितना हो जाएगा, 35 को 40 से गुणा कर दो 1400। फिर क्या लिखा हुआ है, यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर दिया जाए तो औसत वजन कितना हो जाता है, आधा किलो बढ़ जाता है। अब देखो एक जने को एक और शामिल किया, पहले 35 जने थे अब कितने हो गए 36, और औसत वजन अब कितना हो गया, पहले 40 था आधा किलो बढ़ गया मतलब 40.5 हो गया। अब 40.5 को अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1458। क्या पूछा हुआ है, अध्यापक का वजन, तो देखिए पहले 35 छात्र थे उनका कुल वजन कितना था 1400, अब अध्यापक को शामिल कर दिया कुल वजन कितना हो गया 1458, कितना बढ़ गया है अध्यापक को शामिल करने से 58 किलोग्राम, मतलब अध्यापक का जो वजन होगा वह कितना होगा 58 kg होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की क्लास में इतना ही।